हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जैसा कि आपको पता है भाई, CITS रिजल्ट जो है हम लोग का आ चुका है, कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई काउंसलिंग में कॉलेज जो है हमें कैसे सेलेक्ट करना है भाई। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि भाई काउंसलिंग में जो है कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, है ना। हमने काउंसलिंग प्रोसेस तो समझ लिया था, बात करनी है काउंसलिंग में कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, और ये सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो भी जानकारी मिलती है आपको CITS को लेके, बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट में जानकारी दी जाती है। तो आप इस चैनल के साथ जो है सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके एडमिशन तक पूरा गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आप तक जो है समय से पहुंचता रहे। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से भाई कि हमें क्या है काउंसलिंग में कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, चूज करना है इसके बारे में। तो इसके लिए आपको सिंपल से चले जाना है अपने क्रोम पे। कहाँ चले जाना है भाई? क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे जाके आप सीधे से निमी की वेबसाइट पे चले जाओगे। निमी की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे CITS ऑनलाइन एडमिशन, इसके अंदर आप चले जाओगे यहाँ से। तो जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा था, ठीक है, तो वही प्रोसेस करना है। AICET 2023 CITS एग्जाम रिजल्ट जो है पब्लिश्ड वाला, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, इसके बाद फिर से अंदर आप पहुंच जाओगे, इसमें से एक बार और क्लिक करोगे। तो जैसे आपने अपना रिजल्ट देखा था कि जो आपकी यूजर आईडी थी, जो पासवर्ड था, वही यहाँ पे आपको डाल के क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टूडेंट का है, हम उसको डाल के यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इसको हम लोग डाल के यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई क्या है। पासवर्ड डाल लेते हैं भाई, यहाँ पे पासवर्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, कैप्चर जो है यहाँ पे फिल करना रहेगा। जो हमारे पास क्या रहेगा, कैप्चर रहेगा, ये आपको यहाँ पे दिया रहेगा, इसको आपको फिल करके क्या करना है, लॉग इन करना है। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉग इन करोगे, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है भाई, वहाँ पे क्या है, ऊपर जो है स्टूडेंट की जो है पर्सनल डिटेल है ना, इसलिए उसको ऊपर कर दिया गया है ना, उसमें मोबाइल नंबर भी है। ठीक है, आपको मतलब यहाँ से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है भाई कि ये इंट्रेंस रिजल्ट अगर आपको देखना है, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपका ये टिक जो लगा हुआ है, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हैं, है ना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये एग्जाम सेंटर, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिन पे टिक है। अब बात हम करेंगे काउंसलिंग की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काउंसलिंग जो है राउंड फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो काउंसलिंग जो है राउंड फर्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से सारा जो है आपका सिस्टम यहाँ से होने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ से हमारा क्या है कि खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से एक बार बैक करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको एक बार हम लोग यहाँ से बैक करके एक बार फिर से ओपन करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये कैंडिडेट का नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये नंबर भी दिख रहा है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमें कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे एक उन्होंने दिखा रखा है कि भाई आपके पास इस तरह से कॉलेज आएगा, है ना, कि जैसे आपने पहले नंबर पे NSTI मुंबई दे दिया। ठीक है, जैसे आपने क्या किया भाई, आपने NSTI मुंबई यहाँ पे दे दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो है इस तरह से NSTI मुंबई आप अगर करते हो, तो आपके पास यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि जनरल पे कितनी सीटें हैं भाई, 42 सीटें हैं, और इनका नंबर किस पे चल रहा है, 41वें नंबर पे चल रहा है ना, कितने पे चल रहा है, 41वें पे। और ये जो काउंसलिंग होगी है ना, तो ये यहाँ पे आप जो है चेंज कर सकते हो भाई, आज कितनी है, 22 हो सकता है, 23 और 24 को इवनिंग तक आप ये सारा यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है 42 और आपका नंबर है 41, अगर OBC की बात करें तो 28, इनका नंबर है 25। तो अभी आप ये मान के चलो कि अभी और लड़के हैं जो क्या करेंगे, भरेंगे, है ना, जो इनके नंबर 45 हैं, इनसे ऊपर नंबर वाले भी लड़के होंगे जो यहाँ पे भरेंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, एवरेज जो है इनका डाउन भी हो सकता है ना, कि यहाँ पे जो सीटें हैं, तो अगर इन सीट के नंबर से आपकी पोजीशन ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे 42 सीट है, आपकी पोजीशन 50 हो जाती है ना, या 44 हो जाती है, यहाँ पे जो 28 है, यहाँ पे आपकी 30 या 35 हो जाती है, तो फिर आपको वहाँ पे कॉलेज जो है मिलने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर आपके पास चांस रह जाता है। तो आपको क्या करना है, ये 24 तारीख तक आपको सारी चीज़ें है ना, जैसे ही आप कॉलेज सेट कर दोगे जो आपको पहले नंबर पर चाहिए, तो इनको आपको देखते रहना। तो चलो भाई कॉलेज हम लोग सेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा ऑप्शन रीसिलेक्ट सेंटर्स अगेन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे
ठीक है, तो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा और आपकी ट्रेड का जहाँ जहाँ कॉलेज होगा, जो भी NSTI होगा, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको उसका है सिलेक्ट चॉइस फर्स्ट पे करना है। आप जो भी फर्स्ट नंबर पे कॉलेज रखना चाहते हो, जो आपने नोट करके रखा होगा फर्स्ट नंबर पे, उसे आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर पे कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास दिया NSTI कानपुर, ठीक है, कानपुर हम लोग पहले नंबर पर कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोग कर लेते हैं हैदराबाद, तीसरे नंबर पे हम लोग कर लेते हैं हल्द्वानी, ठीक है। ये समझाने के लिए आप अपने चॉइस जो आप बना के रखे होंगे उनको यहाँ पे सेट कर सकते हो। चेन्नई हमने कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे जोधपुर कर लिया। NSTI आपको सिलेक्ट करना है। NSTI जो होता है गवर्नमेंट होता है, ITOT के चक्कर पे मत करना पड़ना। वहाँ पे क्या है आपको जो है कि भाई वहाँ पे आपको फीस ज़्यादा लग सकती है हॉस्टल की, ठीक है। चलो तो यहीं पे NSTI के आगे अगर कहीं पे आपको W लिखा हुआ मिल जाता है तो वो क्या होता है, वो वोमेन के लिए होता है, यानी गर्ल्स कॉलेज होता है, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। आप इस तरह से क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो भी हमारे पास होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, मुंबई ही सिलेक्ट कर लिया। ये आपके पास 5 कॉलेज सिलेक्ट कर लोगे। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर दोगे, आप अपने हिसाब से कॉलेज भरिएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये देखो, यहाँ पे देखो ये क्या दिखा दिया, इनकी पोजीशन आपकी दिखा देगा कि भाई आपके पास क्या है कि भाई आपके पास सीटें तो 28 ही हैं, अब इनकी पोजीशन आ रही भाई 130, पोजीशन क्या आ रही 130, तो इनका तो वहाँ चांस होना ही नहीं है ना, एडमिशन होना ही नहीं है। OBC में है 19 और इनकी है भाई 79, कोई भी चांस नहीं है कि इनका वहाँ पे हो जाए। तो इसी तरह से आपको सिलेक्ट करके जो है देखते रहना है 24 तारीख तक, जो भी आप, जैसे इन्होंने पहले पे मान लीजिए कानपुर को रख दिया, ठीक है, अगर इन्होंने यहाँ पे कानपुर को रख दिया, उसके बाद क्या हुआ भाई, कानपुर को रखने के बाद क्या हुआ कि इनकी पोजीशन डाउन हो गई, तो ये क्या कर सकते हैं आप 24 तारीख को शाम तक इनको चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको, कि भाई चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, रीसिलेक्ट सेंटर्स पे चले जाओगे, है ना, रीसिलेक्ट सेंटर्स पे आप जैसे ही चले जाओगे फिर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको 24 तारीख तक देखते रहना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे रीसिलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पे कुछ भी ऊपर कर लो, हैदराबाद कर लो भाई, या तो आप सीधे से चेन्नई ऊपर कर लो, इसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे भर लो, ठीक है, NSTI कॉलेज होना चाहिए, आप कुछ भी भर लो, ठीक है। ये समझाने के लिए आप समझ सकते हो, आप जो भी आपने निकाल के रखा होगा डिटेल वो यहाँ पे आप भर लेना, सबमिट कर देना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो आपके पास इस तरह से खुल के आ जाएगा। जब ये ग्रीन बॉक्स रहेगा तो मतलब आप उसके अंदर चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, इनके पास जनरल की सीटें यहाँ पे 21 हैं और ये 8वें नंबर पे, यानी कि अभी यहाँ पे इनके पास चांस है। यहाँ पे 14 सीटें हैं और ये 4थे पोजीशन पे, तो अभी यहाँ पे इनके चांस हैं। तो जैसे इन्होंने ये भर दिया तो अब इनका क्या है कि ये 24 तारीख तक पर डे खोल के इसको चेक करते रहेंगे कि भाई हम पोजीशन पे हैं कि नहीं। अगर इस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, तो फिर इनको चेंज करके दूसरा कॉलेज आगे रखना पड़ेगा कि जहाँ पे इनके चांस बने। तो यही चीज आपको भी करते रहना है भाई, 24 तारीख तक आपको देखते रहना है। और इस चक्कर में, है ना, इसको चेंजमेंट के चक्कर में भाई आप ये मत भूल जाना कि जो आपको कॉलेज चाहिए वो आप रख ही ना पाओ, बाद में क्या हो जाएगा 24 के बाद वो लॉक हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपको NSTI चेन्नई चाहिए, अब आप इस इंटरचेंज के चक्कर में, बदलने के चक्कर में आप किसको, ये जो हमारे पास हावड़ा इसको ऊपर कर दो और भूल जाओगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसलिए आपको फाइनल 24 को आपको चेक भी कर लेना है कि भाई जो कॉलेज हमें चाहिए उसको पहले रख के देख लेना, अगर सीट नहीं है तो उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा है वो कॉलेज यहाँ पे रख के देख लेना। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको चेक करते रहना है कि आप उस रेंज पे हो कि नहीं। अगर इस सीट नंबर के आप ऊपर चले जाते हो तो आपको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, एडमिशन के चांस जो है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। इसके बाद बात आती है भाई, जो हमारे पास क्या होता है, काउंसलिंग फीस की बात आती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको जो है कॉलेज चूज करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग फीस जो है यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट कर लो, ठीक है, डाउनलोड रिसिप्ट पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे ये देखो टोटल जो है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अमाउंट दिखाएगा, है ना, इस तरह से आपका पेमेंट डन जो सक्सेस दिखाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई किसने जो है क्या, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं भाई
ठीक है, ये आप कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप काउंसलिंग फीस पे भी कर दोगे तो उसके बाद भी आप ये कॉलेज चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 तारीख तक आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, उसके बाद फिर जो आपको कॉलेज अलाट होगा, तो वो भाई कॉलेज अलाट होने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बता दिया गया था काउंसलिंग प्रोसेस वाले वीडियो में, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लेंगे। कॉलेज अलाट होने के बाद आपको प्रोविजन एडमिशन लेना होता है, जो आप कहीं भी, जैसे आपका आप यूपी से हो, आपका एडमिशन चेन्नई पे होता है, चेन्नई कॉलेज मिलता है, तो आपको चेन्नई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं के पास पे ही जाके, जो आपके यूपी में हो वहाँ पे, जैसे कानपुर में, कानपुर में जाके आप प्रोविजन एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपनी सीट को लॉक करा सकते हो, ताकि वो सीट जो है दूसरे राउंड पे दूसरे को ना दी जाए। अगर आप प्रोविजन एडमिशन नहीं लोगे तो दूसरे राउंड पे वो सीट जो है दूसरे को दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में क्या क्या चीज़ें लेके जानी इसको समझना है, तो आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस वाला वीडियो जाके देख सकते हो। चैनल पर आप चले जाओगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, CITS अपडेट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा 2023 का, वहाँ पे वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज की अपडेट में इतना ही भाई, हमें उम्मीद है आपके लिए यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। तो आप इस चैनल के साथ जो है सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और वीडियो जो है आपको अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना और इस चैनल के साथ जुड़ जाना भाई, यहाँ पे जो भी अपडेट मिलेगी है ना, यहाँ पे रोज़ जो है एक वीडियो बनाया जाता है, 4 से 5 वीडियो नहीं बनाए जाते फालतू के लिए, नहीं इसी पे क्या है कि भाई लोग 4 से 5 वीडियो बना रहे हैं ना फालतू के, तो आपको यहाँ पे क्या है जेन्युइन जो है जानकारी दी जाती है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, एडमिशन तक जो है यहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्त। तो आज की अपडेट में इतना ही, मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।